इतना डार्क शेड मैंने दिया और पार्टीशन क्लियर हो गया है। इसके बाद हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये पत्ती इसके ऊपर है और ये पत्ती इसके ऊपर है, तो यानी ये इस पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा डार्क कर देंगे ताकि यहाँ से क्लियरिटी पता चले कि यहाँ से पत्ती हमारी उभर रही है। ठीक है बच्चों, इसको देखिए एक्स्ट्रा डार्क, जैसे मैंने गोभी में आप लोग को बताया था वही मेथड है। देखिए हो रहा डार्क, उभर रहा होगा ये। अब इसको भी हमें उभारना है, तो इसलिए इसके शेप के किनारे किनारे हम लोग डार्क करेंगे। ध्यान रखिएगा लीफ की जैसे शेप बने होंगे शेड वैसे ही डार्क किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके नस, नस के लिए पहले लाइनिंग कर लीजिए आप इस तरीके से। यहाँ से नस ऐसे निकली है, यहाँ से ऐसे, सेम यही प्रोसेस इधर भी है, फिर आगे बढ़ के ऐसे। अब एक एक नस को बच्चों आप लोग को बारीकी के साथ उभारना है, यानी यहाँ का पोर्शन डार्क करना है और ये दिखाना है किसमें से नस जा रही है। ठीक है, यहाँ पे डार्क करिए आप लोग ऐसे शेड। हमें नस को उभारना है, बाकी पोर्शन जो पत्ते के हैं उनको हमें थोड़ा डार्क ही रखना है। ऐसे ही सेम हमारे बच्चों इस वाले पत्ती में भी हो जाएगा। पहले ऐसे नस बना लेंगे हम लोग और उसके बाद उस पत्ती के किनारे किनारे यानी नस के किनारे किनारे शेड डालेंगे। ये देखिए जैसे ये है हमारा, यहाँ पे हम डार्क शेड डालना है। हम चाहते हैं हमारी पत्ती यहाँ डार्क दिखे, तो यहाँ पे हमने डार्क शेड डाल दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पूरी पत्ती में आपको शेड लेना है।